नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम सैनी। दोस्तों, आज हम डाइटार 10 mg टैबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इसके यूज, डोज और साइड इफेक्ट आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट्स होता क्या है। दोस्तों, यह टैबलेट जो है डायूरेटिक नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो एडिमा यानी कि सूजन में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके मैनुफैक्चरिंग के बारे में। इसके मैनुफैक्चरिंग की बात की जाए तो सिप्ला लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें टॉर्सेमाइड 10 mg मिला हुआ होता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट्स के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसके प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में इसकी एक स्ट्रिप यानी कि 15 गोलियाँ आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। इसके वेरिएंट की बात की जाए तो ये आपको 5 mg में, 10 mg में, 40 mg में और 100 mg में मार्केट में मिल जाता है। अब बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट्स के यूज के बारे में। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, डाइटार 10 mg टैबलेट्स के यूज की बात की जाए तो यह आपके शरीर में अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाना, आपके पेट में सूजन आ जाना, फेफड़े में इन्फ्लूजन हो जाना यानी कि फेफड़े में पानी आ जाना, फेफड़े में सूजन आ जाना, आपके चेहरे में सूजन आ जाना, किडनी से संबंधित रोग हो जाना या फिर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है, भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट्स के डोज के बारे में। इसका डोज कितना लेना चाहिए। दोस्तों, इसके डोज की बात की जाए तो यदि आप डाइटार 10 mg टैबलेट्स का उपयोग रात में करते हैं तो आपको बार बार पेशाब जाने जैसी संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए इसका उपयोग हमें सुबह नाश्ते के बाद करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, कब्ज हो जाना, अनिद्रा होना, ड्राई माउथ होना आदि साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डाइटार 10 mg टैबलेट से रिलेटेड कुछ लोगों के सवालों के बारे में। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम शराब के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग हमें शराब के साथ नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम गर्भवती महिला को करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग हमें गर्भवती महिला में करवाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम स्तनपान कराने वाली महिला को करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम स्तनपान कराने वाली महिला को करवा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग करने से हमें लत लग सकती है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा डाइटार 10 mg टैबलेट्स का उपयोग करने से आपको लत नहीं लगती है। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग करने के बाद हम गाड़ी या अन्य भारी मशीन चला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप डाइटार 10 mg टैबलेट ले रहे हैं, आपको अनिद्रा, आलस जैसी कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आप ड्राइविंग या कोई मशीन चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।